महिंद्रा ने अपनी सबसे चहेती बोलेरो को भारतीय बाजार में BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया गया है। कुछ रंग रोगन भी हो गया है, जिसे हम फेस लिफ्ट कहते हैं। और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, सेफ्टी के क्या नए फीचर्स आ गए हैं, नई प्राइसिंग कैसी है और उस प्राइस के अनुसार कौन सा वेरियंट वैल्यू फॉर मनी है, सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इस समय हम सब एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना। हाँ, COVID-19 का खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। 21 डेज का गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। आप सब लोग घर पर रहें और घर पर कुछ ना कुछ आपके लिए मौजूद रहे, सीखने को, समझने को, इसीलिए हम वीडियो आपको दे रहे हैं। यह तो सबको पता है कि आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन घर पर कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ जानने को मिल जाए, दुनिया से अपडेट रहें, इसलिए ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो देखिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, घर पर अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। बस यही उम्मीद और दुआ करते हैं हम आपके लिए भी। शुरुआत करते हैं बोलेरो में क्या चेंजेस है। महिंद्रा ने अपनी बोलेरो को BS6 इंजन के साथ लॉन्च किया और इस लॉन्चिंग के समय कोई शोर शराबा नहीं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल्स नहीं। वजह यह है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कंपनीज तो अपना बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, अधिकतर फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। महिंद्रा ने भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन उसकी गाड़ियां तैयार थी और उनको लॉन्च करना था, इसलिए वह उसे ऑफिशियली लॉन्च कर दे रही है, लेकिन कोई बड़े मार्केटिंग प्रोपेगेंडा नहीं हो रहे। चेंजेस क्या है? फ्रंट में नया बम्पर मिल गया है। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट नया बम्पर है, कुछ एक्स डिजाइन उस पर दिया हुआ है और उसी में नीचे सिड प्लेट भी बनाई गई है जो बम्पर के कलर की है। एक्चुअल में बम्पर का ही है, जिसमें बस सिर्फ डिजाइन दिए रखे गए। नए फॉग लैंप मिलते हैं, वह भी ब्लैक कलर की, चारों तरफ से क्या कहते हैं उसको, कवरिंग के साथ है, हाउसिंग के साथ में है। फ्रंट में जो मेन ग्रिल है उसमें भी कई चेंजेस हैं और इवन बिल्कुल नई कह सकते हैं हम उसे। साइड में लैंप, क्लियर हेडलैम्प मिल रहे हैं, हैलोजन ही है अभी भी है, लेकिन काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं। बाकी सेलआउट डिजाइन जो एक्चुअल में है बोलेरो का, वह अभी भी मौजूद है। तो बोलेरो देखने में कोई बड़ा चेंज लेकर नहीं आ रही है। साइड में आपको 15 इंच के व्हील्स अभी भी दिए जा रहे हैं, जो उसके लिए एक काफ़ी अच्छा साइज भी रहे हैं। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो साइड में आपको नई स्टाइलिश डिकेल मिल गई है। हाँ, वो जो साइड का हिस्सा होता है जिसपे नीचे ब्लैक कलर की मौजूद होती है, जी हाँ, वह नई हो गई है। कुछ नए स्टिकर्स वगैरह भी साइड में आ गए और पीछे आपको मिलता है कंप्लीटली नया क्लियर लैंप, टेल लैंप। हाँ, ये बिल्कुल नई डिजाइन का है और इस कार में बाहर से देखने पर कोई बड़े चेंजेस नहीं है। कार की बात कर लिया जाए पहले उसके इंजन के बारे में, फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में। कार में मिलता है अब आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, जो आपको देता है 75 PS की पावर 3600 RPM पर और मिलता है 210 Nm का टॉर्क। हाँ, 1600 RPM से लेकर 2200 RPM तक, थोड़ा हायर रेंज से स्टार्ट होता है। अगर ये थोड़ा और लोअर होता है 1200 से आसपास, मजा आ जाता। यह तो थी इसके इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन। इंजन अब BS6 हो गए हैं। कार में आपको इंटीरियर में क्या क्या मिलता है? इंटीरियर में आपको कोई बड़े चेंजेस नहीं है। आपको एयर बैग मिल जाता है एडिशनल सेफ्टी के तौर पर, लेकिन वह भी केवल ड्राइवर साइड है। कार अभी भी बॉडी ऑन फ्रेम ही है। को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। ABS भी आपको मिल जाता है कार में। रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो एक बड़ी चीज़ है। हालांकि यह पहले भी BS4 के जो लास्ट के वेरिएंट थे उनमें आने लगा था, अगर आपने बहुत पुराना वेरिएंट नहीं खरीदा है तो, जो एक अच्छा पॉइंट भी था। ये तो थे सेफ्टी में क्या क्या फीचर्स इसमें आ गए हैं। और अगर आप बात किया जाए तो म्यूजिक सिस्टम की, हाँ, एक म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है जिसमें USB ऑक्स इनपुट जैसी फैसिलिटी मौजूद है। ब्लूटूथ भी है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को पेयर करके नॉर्मली बगैर फ़ोन को कान में लगाए बात कर सकते हैं, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जैसे कि आजकल की सभी मॉडर्न कारों में होने लगा है। नया MID मिल जाता है। MID वही जो आपके टैकोमीटर और
स्पीडोमीटर के बीच में बना होता है, जिसमें कि आप रियल टाइम एवरेज भी देख सकते हैं और भी कई जानकारियां उसके भीतर आपको मिल जाएंगी, जो कि एक अच्छा टच है। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आपको उसमें मिल जाता है, जो ये बताता है कि अभी कितनी दूरी चलने के लिए फ्यूल मौजूद है। यह सारी नई चीज़ें थोड़ा अच्छा बना रही हैं कार को, और मेरे हिसाब से यह एक काफ़ी अच्छा प्लेस रहेगा उन लोगों के लिए जो ड्राइव करते हैं। कार में 7 सीटर ही है अभी भी, और यह नए फैब्रिक और विनाइल के साथ आने लगी है, यानी लोअर वेरिएंट में विनाइल और टॉप वेरिएंट में आपको फैब्रिक इसमें देखने को मिल जाएगा। कार के आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी बॉडी कलर्स में मिलेंगे, टॉप एंड मॉडल में, लोअर मॉडल में आपको ब्लैक कलर के मिल जाएंगे। फ्रंट के ग्रिल में भी जो टॉप एंड मॉडल हैं उनमें क्रोम का इस्तेमाल है, और नॉर्मल में सिल्वर कलर का इस्तेमाल है। बाकी बड़े चेंजेस कोई ऐसे नहीं है जो सबको अलग याद दिलाएं। कार में अब आपको सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट केलेस एंट्री, और साथ ही फ्यूल लिड को खोलने के लिए भी अब रिमोट ऑप्शन हो गया, यानी भीतर से ही खोल सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मौजूद है हमेशा की तरह, जो आपको MID में कई और जैसे फीचर्स थे, जिसमें कि गियर इंडिकेटर मौजूद है, डोर एज इंडिकेटर्स हैं, डिजिटल क्लॉक वगैरह भी अवेलेबल है। कार अब स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद रहेगी, जिसे कंपनी माइक्रो हाइब्रिड कह के बताती है। खैर, यह स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी उन लोगों को हेल्प करती है जो गाड़ी को थोड़ी देर खड़ा कर देते हैं तो इंजन रुक जाता है, और जब दोबारा चलने के लिए क्लच दबाते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से काफ़ी फ्यूल बच जाता है, और बोलेरो चलाने वाले लोग फ्यूल को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है कि कम से कम माइक्रो हाइब्रिड या स्टार्ट स्टॉप के साथ आती है। हालांकि मैं माइक्रो हाइब्रिड कहले से खुश नहीं हूं, क्योंकि इसको ये नाम नहीं दिया जाना चाहिए, हाइब्रिड एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप सबसे सही एक्यूरेट वर्ड है। हालांकि कार में अभी भी आपको पिछले व्हील्स में ड्रम बैक ही मिलते हैं, वहां पर डिस्क का ऑप्शन नहीं आया है। कार की सबसे अच्छी चीज़ों में बड़े साइज का फ्यूल टैंक, जिसे आप लंबी दूरी पर यूज कर सकते हैं। 7 सीटर ऑप्शंस, हालांकि जगह की प्रॉब्लम लास्ट की सीट्स पर अभी भी है, दोनों पैर आपस में टकराएंगे बड़े लोगों के लिए, लेकिन यहाँ छोटे लोगों के लिए या छोटी हाइट वालों के लिए कोई बड़ी दिक्कत की चीज़ नहीं है। हालांकि बोलेरो वाले जितने भी लोग हैं वह नॉर्मली इस कार को एज ए टैक्सी, एज ए एक शहर से दूसरी जगह जाने आने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली टैक्सी के तौर पर ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और उस जगह पर इस्तेमाल होते समय सब लोग एक ही बोलेरो में कितने लोग बैठ के जाते हैं आपने तो गिने होंगे। फिलहाल यह 7 सीटर है, लेकिन हाँ, उसमें उतने लोग ही आज भी बैठ सकते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर इसका डिज़ाइन थोड़ा सा फ्रंट फॉरवर्ड कर दिया जाता तो शायद भीतर केबिन और बड़ा हो जाता, लोगों को आराम से बैठने की जगह मिल जाती, लेकिन कंपनी ने इस चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के बजाय केवल अपने इंजन को अपग्रेड किया, जिसे मैं थोड़ा सा निराश हूँ। हालांकि कार अभी भी लुक्स में कोई बड़े चेंजेस के साथ नहीं है, अभी भी पुरानी जैसी ही दिख रही है अगर एक नज़र से देखी जाए, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको चेंजेस मैंने बताए हैं वही इसमें मौजूद है। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग की बात किया जाए तो मेरी नज़र में इस कार की जो प्राइसिंग है इस समय वह काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में मौजूद है। 3 वेरियंट में आती है, B4 BS6 इंजन के साथ जो है, उसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है 7,98,000, मुंबई में थोड़ा कम है। जो उसका दूसरा वेरिएंट है B6, उसकी प्राइस है 8,64,000 रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली, और जो उसका टॉप वेरिएंट है B6 का ऑप्शनल, उसकी कीमत है 8,99,000 रुपीस। अगर आप मुझसे पूछे तो कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको यह कार टैक्सी के लिए चलानी है, प्योर टैक्सी, एक छोटे शहर से दूसरे शहर सवारी ढोने के लिए, तो आपको इसका B4 वर्जन लेना चाहिए, जिसमें सब कुछ फैसिलिटी है और सीट्स भी विनाइल की मिलती हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होंगी और उनको साफ़ करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन चाहते हैं, कोई अलग टैक्सी कैब पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए लेना चाहते हैं, या अपनी बड़ी फैमिली या फैक्ट्री के खेती किसानी के काम के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको इसका टॉप वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए, जो कि है B6 ऑप्शनल, जिसमें कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सब आपको मिल जाएगा। हाँ, कार के सभी वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स वगैरह स्टैंडर्ड है।
वो मिलेंगे ही आपको, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यह तो थी नई बोलेरो के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हम तो यह उम्मीद रखते थे कि ऑटो एक्सपो में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कंपनी उस समय तैयार नहीं कर पाई थी और इसलिए उन्होंने बचा के रखा। और अब ऐसा दौर आया है जिस समय लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए घर में बैठे हैं, उस समय इस कार को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि कार की लॉन्चिंग के समय बहुत अच्छी सेल की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। वक्त किसी को बताकर नहीं आता है। आपके लिए भी एक मैसेज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अपने लिए कुछ नया सीखने का मौका मिला है आपको इन 20-21 दिनों में, तो कुछ नया सीखें, नई नई जानकारियां लें, दुनिया को समझें और अपने परिवार का ध्यान रखें। अपने आप को जितना आप इंगेज रखेंगे किसी भी तरह से, चाहे थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा ये थोड़ा वो, और खूब सारा परिवार, तो आप भी खुश मिजाज बने रहेंगे। वरना 21 दिन एक जगह बंद के बैठना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो एक हफ्ते में 500 से लेकर 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाता ही था और आज उसे घर में बांध के बैठा दिया है। कार मेरी कार का टैंक फुल भरा पड़ा है, लेकिन मैं उसे चला नहीं सकता, कितना अफसोस है मुझे। आपको पता है ना मेरे पास कौन कौन सी कार है? नीचे लिखिएगा, मैं भी तो जानूं आप कितना जानते हैं अपने कार गुरु को। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और साथ ही मुझे ये बताइए कि नई बोलेरो जो कि अब BS6 के साथ आ गई है, इस नए इंजन के साथ, क्या वो वही धमाल, वही आलीशान सेल ला सकेगी जिसके लिए महिंद्रा जानी जाती थी? लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को भी समझकर। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई जानकारियां लेके आया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारे वीडियो, कुछ नया जानना चाहते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाइए, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन आएगा, क्या आपको ऑल नोटिफिकेशन चाहिए, उसको भी टच कर दीजिए। काम खत्म, पैसा आ जाए, मुलाकात होती रहेगी हमारी और आपकी आगे भी। देखते रहिए आस्क कार गुरु। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।